हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कुकिंग में। दोस्तों चलिए आज हम बात करेंगे देसी अंडे और फार्म के अंडे के बारे में। आप अगर देखें तो लोगों का ज़्यादातर मानना ये होता है कि फार्म के अंडे जो होते हैं वो ब्राउन कलर के, वाइट कलर के होते हैं, जो देसी अंडे होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। आप देखेंगे मैंने दो ट्रे में अंडे लिए हैं, एक में 5 अंडे हैं और एक में 1 अंडा। ये जो 5 अंडे हैं ये मेरे घर पर ही जो मेरी मुर्गियां हैं उनके हैं, यानी ये देसी अंडे हैं, और ये जो 1 अंडा है ये फार्म का अंडा है। आप देखेंगे कि जो मेरे पास देसी अंडे हैं उनमें डार्क ब्राउन भी है, लाइट ब्राउन भी है, ब्राउन भी है और दो सफ़ेद भी हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि देसी अंडे ब्राउन ही कलर के हों, बहुत सी मुर्गियाँ हरे अंडे भी देती हैं और कुछ के नीले अंडे भी होते हैं, वो यूरोप में मिलती हैं, यहाँ पर नहीं मिलती। तो रंग से ऐसा कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि मुर्गी जो है वो किस तरह की है। फॉर्म के जो मुर्गियाँ होती हैं उन्हें कुछ अलग तरह का फूड दिया जाता है, कुछ अलग तरीके से रखा जाता है, और उनके एग जो होते हैं वो हैच्ड नहीं होते। जो घर की मुर्गियाँ होती हैं उनके फूड अलग तरह के होते हैं, वो कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो उनके एग जो हैं वो अलग तरीके से डेवलप होते हैं और वो हैच भी होते हैं अगर आपके पास मुर्गा है। मुर्गा नहीं है तो वो भी फॉर्म के अंडे जैसे ही होंगे, लेकिन उनमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होगा क्योंकि उनका फूड अलग तरीके का होता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा, सबसे पहले फॉर्म का अंडा तोड़ेंगे हम। मैं कैमरे के पीछे हूँ, वॉइस ओवर कर रहा हूँ, मेरी वाइफ तोड़ेंगी अंडे को, क्योंकि पिछली बार ऐसा ही हुआ कि मैंने वॉइस मेरी थी, हाथ वाइफ के थे, तो वाइफ को नीचे में कमेंट आ रहे थे मैम आपकी आवाज़ लड़कों जाती है। मैंने कहा क्लियर कर देता हूँ कि वीडियो में बना आवाज़ मेरी है और हाथ वाइफ के होंगे क्योंकि मैं कैमरे पर हूँ, तो मैं कैमरे को ऑपरेट कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले फॉर्म के अंडे को तोड़ते हैं और आपको इसकी जर्दी का रंग दिखाते हैं। फ़र्क यहीं पे पता चलता है देसी अंडे का और फॉर्म के अंडे का, क्योंकि फॉर्म के अंडे का जो रंग होता है वो लाइट होता है, उसकी जर्दी का रंग वे लाइट येलो कलर की होती है, और जो देसी अंडे होते हैं उनकी जर्दी डार्क येलो कलर की होती है। तो अब सबसे पहले वाइट वाला देसी अंडा उठाएंगे, अगर वाइट कलर से होगा तो इसका भी रंग वैसा ही होना चाहिए जैसा फॉर्म के अंडे का है, लेकिन आप देखेंगे कि इसका रंग अलग होगा, ये डार्क कलर की होगी। देखिए कितना फ़र्क है इनके कलर में, ये भी वाइट कलर का ही अंडा है बट इसका कलर बिल्कुल डिफरेंट है। ये देसी अंडे की पहचान है, आप बाहर से देखकर नहीं पहचान सकते। इनमें एक डार्क ब्राउन कलर का जो अंडा है वो काफ़ी खुरदुरा है, और जबकि जो वाइट वाले हैं वो चिकने हैं। एक मेरे उसमें कमेंट किया था एग वाले में कि सर फॉर्म के अंडे खुरदुरे होते हैं, देसी अंडे खुरदुरे नहीं होते। खुरदुरे होने का वो कैल्शियम से इशू है कि कैल्शियम कितना मिल रहा है मुर्गियों को, उससे इससे कोई मतलब नहीं है कि देसी अंडा है या फॉर्म का। अब एक ब्राउन को तोड़ते हैं, वो बिल्कुल उस वाइट हमारे देसी वाइट अंडे जैसा ही येलो होगी उसकी जर्दी, डार्क येलो, लाइट येलो नहीं होगी। तो आप देखेंगे कि ब्राउन कलर के अंडे की भी जर्दी वैसी ही है। तो अब आप देखेंगे कि वो जो फॉर्म का अंडा था उसकी बिल्कुल हल्के पीले रंग की है, जो मेरे घर की मुर्गी हैं उनकी डार्क येलो है। इनमें हल्का फुल्का सा डार्क येलो में फ़र्क हो सकता है, बट ये फॉर्म वाले अंडे से बहुत ज़्यादा येलो होंगी। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि अंडे के रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वाइट हो, ब्राउन हो, डार्क ब्राउन हो, किसी भी तरह का अंडा हो, वो अगर आपके देसी अंडा होगा तो उसकी जर्दी बहुत डार्क येलो होगी, और अगर वो फार्म का होगा तो उसकी लाइट येलो होगी। रंग से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए कुछ शॉप्स पर लोग नकली देसी अंडे बेचते हैं, वो फार्म के अंडे को चाय पत्ती के पानी में गर्म करते हैं और उसके बाद आपको देसी अंडा कहकर बेच देते हैं। लेकिन आप जर्दी के रंग से एकदम बता सकते हैं। मैंने दो रंग के तोड़े, अब एक ये लाइट ब्राउन कलर का, इसे भी तोड़कर दिखा देते हैं। ये कड़कनाथ का अंडा है, ये काफ़ी महंगा अंडा होता है क्योंकि कड़कनाथ को बहुत ही स्पेशल ब्रीड माना जाता है मुर्गियों की, तो इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है देसी अंडों में। लेकिन देखिए इसकी भी जर्दी का रंग ऐसा ही है। कुछ लोग सोचते हैं कड़कनाथ का अंडा भी काला होता है क्योंकि वो पूरी काली मुर्गी होती है, यानी कि उसका जो मीट होता है वो भी काला होता है मुर्गे का, तो लेकिन आप देखेंगे कि अंडे का रंग वही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके देसी अंडे और फार्म के अंडे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जब तक आप जर्दी को ना देखें आप नहीं बता सकते कौन सा अंडा देसी है और कौन सा फार्म का है। फार्म के अंडे की जर्दी का रंग बहुत हल्का पीला होता है जबकि देसी अंडे का बहुत डार्क, यही एक मेन अंतर है जिसे आप देख कर एकदम बता सकते हैं कि अंडा देसी है या फॉर्म का। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आप काफ़ी अच्छे से समझे भी होंगे जो मैंने समझाया। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।